Okay, students, now it's time to start our class. So everyone, raise your hands for dua. Okay, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Ae mere rab, mere ilme izafa farma. O Allah, increase my knowledge. Ameen. Good morning, ma'am. Assalamu alaikum and good morning. How are you, Hania? Fine, ma'am. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, Hania. We just started. We have just started our class. Okay. हम स्टार्ट करते हैं अब उर्दू का. उर्दू की हमारी रीइंफोर्समेंट है, ठीक है. सबसे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी और आज की वर्कशीट अगर आपके पास प्रिंट हुई भी है तो वो आप अपने साथ ओपन कर लें, फिर हम वो भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है. और अगर नहीं हुई तो इट्स ओके, आप फिर बाद में उसको पहले आप उसको समझ लें और फिर आप बाद में उसको कंप्लीट कर लीजिएगा प्रिंट्स करा के, ठीक है. सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्क्रीन को और कुछ हरूफ की जो है पहले हम दोहराई करेंगे, ठीक है. आप इन हरूफ को देखें गौर से, ये वो हरूफ हैं जो कि हम मुकम्मल कर चुके हों और ये ख़ानदान के हिसाब से हमने इनको मुकम्मल किया था, ठीक है. अब सबसे पहले हम इनकी रीइंफोर्समेंट करते हैं और जहाँ तक हमने कल अपने हरूफ मुकम्मल किए थे लाम तक, हम अलिफ से लेकर लाम तक अपने हरूफ की दोहराई करके और फिर हम वर्कशीट के साथ कंप्लीट करते हैं, ठीक है. चलें, सबसे पहला है ये, आप अलिफ का खानदान देखें तो इसके अंदर दो हरूफ हैं, अलिफ और अलिफ मद्दा, ठीक है. उसके बाद हमारे पास ये बे का खानदान आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें तमाम हरूफ एक जैसी शक्लों के नज़र आ रहे होंगे बे के, और इनमें नुक्तों का आपको सिर्फ फ़र्क नज़र आ रहा होगा जिसकी वजह से इनकी आवाज़ें और इनसे बनने वाली चीज़ों के नाम या अल्फाज तब्दील हो रहे हैं, ठीक है. सबसे पहला हर्फ है बे जिसके नीचे एक नुक्ता है, पे जिसके नीचे तीन नुक्ते हैं, ते जिसके ऊपर दो नुक्ते हैं, टे ऊपर नुक्ता नहीं है इसके लेकिन एक छोटा सा तोह दिया हुआ है, ठीक है. और इसके साथ आखिरी हर्फ है बेग के खानदान का से, और से के ऊपर तीन नुक्ते हैं, एक दो तीन. ये कौन कौन से हरूफ हैं, बे पे ते टे से, अलिफ अलिफ मता, बे पे ते टे से. उसके बाद हमारे पास जीम के खानदान के आपको ये एक जैसे चार हरूफ नजर आ रहे हैं, जीम चे हे खे, ठीक है. कौन कौन से हैं, जीम चे हे खे, ठीक है. ये हमारे पास जीम के खानदान के. उसके बाद आपको ये दाल के खानदान के एक जैसे हरूफ नजर आ रहे हैं, इनमें कौन कौन से, दाल दाल जाल, दाल दाल जाल. और फिर आपको यहाँ पे रे के खानदान के हरूफ नजर आ रहे हैं, रे रे जे ये, ठीक है, रे रे जे ये. आपने इन हरूफ से रिलेटेड जो आपकी ज़खीरा अल्फाज वाली वर्कशीट थी वो आपने कंप्लीट कर ली है, ठीक है. ये वो वाले हरूफ हैं जो के ख़ानदान में दो या दो से ज़्यादा मौजूद हैं, ठीक है. सिर्फ ये अलिफ अलिफ मद्दा जो हैं वो दो हैं. अब हम इनके बाद जो आने वाले हरूफ हैं वो उनकी दोहराई करेंगे. इनमें इनमें आप जब देख रहे हैं इनको, ये वो वाले हरूफ हैं जो कि हर खानदान में दो से ज़्यादा नहीं हैं. हर ये वाला जो हर्फ है ये आप इनको देख रहे हैं, ये दो दो ही पेयर्स में है, ठीक है. इनकी तादाद दो दो है. जैसे आप सीन और शीन को देखें तो सीन और शीन
इनमें दोनों की शक्लें तो आपको एक जैसी नजर आ रही हैं, लेकिन एक के ऊपर नुक्ता है और एक के ऊपर नुक्ते नहीं है, ठीक है? अब जैसे कि आप सीन को देखें तो सीन के ऊपर नुक्ते नहीं है और शीन के ऊपर तीन नुक्ते दिए हैं, सीन और शीन। उसके बाद हमारे पास आप और से देखें तो ये स्वाद और ज्वाद एक जैसे हैं, स्वाद और स्वाद, स्वाद के ऊपर नुक्ता नहीं है, ज्वाद के ऊपर एक नुक्ता है। फिर तोए और जोए, तोए के ऊपर नुक्ता नहीं है, जोए के ऊपर एक नुक्ता है, तोए जोए, ठीक है? आइन एन और लैन, एन वैन, एन के ऊपर नुक्ता नहीं है और लैन के ऊपर एक नुक्ता है। अब हमने अलिफ से लेकर लैन तक की तमाम जखीरा अल्फाज की वर्कशीट्स और उसके साथ रीइंफोर्समेंट की वर्कशीट्स कंप्लीट की हैं, ठीक है? और उसके बाद हमने जो कल हरूफ किए थे उनमें हमने किया था फे, ये वो वाले हरूफ है गैन के बाद जो के जिनका ताल्लुक किसी खानदान से नहीं है और ये सब अलग अलग हैं, इनकी अलग अलग पहचान है, जैसा कि फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, ठीक है? अब हमने वर्कशीट्स को देखना है कि हमने कौन कौन सी वर्कशीट्स कंप्लीट की हैं। ये आपकी जखीरा अल्फाज की वो वर्कशीट्स हैं जो कि आपने कल कंप्लीट करनी थी, इससे पहले वाली आपकी अलिफ से लेकर ये तक आपने कंप्लीट की हैं, ठीक है? आज आपने ये वाली वर्कशीट कंप्लीट करनी है रीइंफोर्समेंट की, ठीक है? आप ये ओपन करें अगर आपके पास हैं, ये सबके पास प्रिंट्स हुई नहीं है। शो मी इफ यू हैव दिस वर्कशीट। ओके हम ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हिशाम आपके पास है वर्कशीट? हानिया, देन तकवा, राफिया, शाहराम एंड जैनब। जी बेटा आप में से, अच्छा चले हम स्टार्ट करते हैं वाली वर्कशीट्स। जी मोहम्मद अयान आपने कंप्लीट कर ली भी है, ओके। आपने इन पिक्चर्स को देखना है, मैं आपको ये समझा देती हूँ, ठीक है? सब बच्चों के लिए कि आपने इसमें रो वाइज आपको ये रोज नजर आ रही है, ठीक है? इनके अंदर आपको एक 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 पिक्चर नजर आ रही है और उसके साथ आपको दो दो हरूफ नजर आ रहे हैं। आपने सही हर्फ को ट्रेस करना है, दुरुस्त हर्फ को ट्रेस करना है। अब दुरुस्त हर्फ कैसे आपको मालूम होगा? जब आपको इस तस्वीर का नाम पता होगा। आपने इस तस्वीर को गौर से देखना है, ये किस चीज की तस्वीर है? गार, ठीक है? क्या दिया हुआ है? गार, जिसे हम इंग्लिश में केव बोलते हैं, ये किसकी तस्वीर है? गार की। अब गार का नाम जब मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ या मैं बोल रही हूँ तो आपने इस पे गौर करना है कि मेरे मुंह से पहली आवाज क्या निकल रही है। गार, ग की आवाज आ रही है। जब आपके पास, आप इधर दो हर्फ देखेंगे, हरूफ देखेंगे तो आपके पास एन और गैन दिया हुआ है, ठीक है? एन की आवाज क्या है? ए की आती है और गैन की आवाज क्या आती है? ग की। तो हमारे पास तस्वीर किसकी दी हुई है? गार, ग गार। तो हम इसमें से गैन को ट्रेस करेंगे। अगर आपने ये वर्कशीट नहीं की तो अभी मेरे साथ साथ करते जाएं। जी राफिया कंप्लीट कर लिया आपने भी, ठीक है? अच्छा ठीक है, ओके ओके फाइन बेटा, वेल डन, ठीक है? गार से, गैन से गार बनेगा। आपने इसमें से गैन को ट्रेस करना है। फिर अगली तस्वीर को देखें तो ये क्या है? साबुन, स की आवाज आ रही है, साबन, ज की नहीं आ रही है, जाबन नहीं है, स। तो हमारे पास दो हरूफ दिए हुए हैं, ज्वाद एंड स्वाद। तो हमारे पास ज्वाद की आवाज आती है ज की और स्वाद की स। तो स को हम ट्रेस करेंगे, स्वाद स साबन, स्वाद स साबन। आपने इनकी बार बार प्रैक्टिस, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको ये फिर और ज्यादा अच्छे तरीके से इन हरूफ की और पहचान होती जाएगी। फिर अगली तस्वीर को देखें तो ये किस चीज की तस्वीर है? शेर, शेर, श,
शेर, हमारे पास दो हरूफ दिए हुए सीन और शीन, तो सीन और शीन शेर, शीन को हम ट्रेस करेंगे क्योंकि शीन से शेर बनता है, ठीक है, जिसके ऊपर तीन नुक्ते हैं वो है शीन, हम इसको ट्रेस करेंगे। फिर अगली तस्वीर है सूरज, स सूरज, स सूरज, सूरज नहीं है, सूरज है, तो हमारे पास सीन दिया हुआ है, हम सीन को ट्रेस करेंगे क्योंकि सीन की आवाज है स, तो इसका नाम सीन से शुरू होता है। फिर अगला है तोता, ठीक है, तोता, जोता नहीं है, तो तोए, तोए की क्या आवाज है त, तो तोए जिसके ऊपर नुक्ता नहीं है वो उसको हम ट्रेस करेंगे, ठीक है, तोए त तोता। जब आप इनको साथ साथ ट्रेस करते जाएंगे दुरुस्त हर्फ को साथ, आपने फिर रिपीट करना है इस तस्वीर के साथ इसका नाम, जैसे गैन गार, स्वाद साबन, शी शेर, सीन सूरज, तोए तोता, और उसके बाद आखिरी तस्वीर है एनक, एन एनक, एन एन एनक, तो गैन एनक नहीं है, एनक है, ठीक है, तो हम इसमें से एन को ट्रेस करेंगे। अब ये वाली वर्कशीट है, इसको भी देख लेते हैं, ये वाली आपकी ठीक है, ये वाली वर्कशीट है जो कि आपने कल अपनी रीइंफोर्समेंट फ्राइडे की करनी है, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, आपको रो में मुख्तलिफ हरूफ दिए हुए और कुछ हरूफ जो के बार बार दिए हुए रिपीट हो रहे हैं एक जैसे हैं, आपने उनको ढूंढना है, उनका नाम बोलना है, फिर आपने उनको ट्रेस करना है। एक जैसे का मतलब सेम, ठीक है, आपने पहली रो में देखना है कि कौन सा वाला हरूफ बार बार आपको देखने में नजर आ रहा है, कि जो बार बार आ रहा है, तो सबसे पहला हरूफ है सी, शीन, स्वाद, सीन, स्वाद, इनको आप ऐसे पढ़ेंगे, सबसे पहले वाले हर्फ का नाम लें, शीन स्वाद सीन स्वाद, इसका मतलब है स्वाद, हमारे हमने दो बार बोला है स्वाद का नाम, तो हम स्वाद को ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। अगली वाली रो में देखें तो पे से टे पे, इसका मतलब है पे हमारे पास दो बार आ रहा है, हम पे को ट्रेस कर लेंगे। फिर हमारे पास अगली रो में देखें तो ये रे के खानदान के हरूफ दिए हुए, जिसमें रे रे जे रे, इसका मतलब है हमने तीन बार रे को बोला, तो रे का नाम हमने तीन बार लिया इसलिए वो बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे हम रे को ट्रेस करेंगे। फिर नीचे वाली रो में देखें जीम के खानदान के, तो इसमें क्या आता है चे हे हे चे, ठीक है, इसमें हे भी दो बार आ रहा है और चे भी दो बार आ रहा है, तो हम इनको ट्रेस करेंगे, ठीक है, हे को भी ट्रेस कर लेंगे क्योंकि वो भी दो बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, और चे भी हमारा दो बार रिपीट हो रहा है। फिर नीचे वाली रो में देखें तो जाल जाल डाल दाल, ठीक है, इसमें जाल हमने दो बार बोला है, तो जाल को हम दो बार ट्रेस कर लेंगे। फिर नीचे है जोए जोए तोए जोए, ठीक है, जोए जोए तोए जोए, हमने जोए को तीन बार जो आ रहा है इसको हमने ट्रेस कर लें, ठीक है। ये वाली वर्कशीट्स आपकी आपने रीइंफोर्समेंट करनी है। फिर उसके बाद मैं जो लाम के फे से लाम और फिर लाम के बाद वाले हरूफ वो कौन कौन से हैं मैं वो आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद हमारे पास आते हैं फे के बाद, सॉरी लाम के बाद, ये वाला हमने कल रिपीट किया था ना अपना, यहाँ तक हमने रीइंफोर्समेंट की थी। आपने रीइंफोर्समेंट आप कहाँ तक की है, अलिफ से लेकर लाम तक, आपने अपने हरूफ की दोहराई करनी है अलिफ से लेकर लाम तक, ठीक है। आपके पास फे
काफ काफ गाफ लाम, इनकी वर्कशीट्स नहीं है, वो मैं आपको इस वीक में शेयर करूंगी, फिर ये वाली वर्कशीट्स आप नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी आपके पास से अलिफ से लेकर गाइन तक तमाम हरूफ की वर्कशीट्स हैं, ज़कीर अल्फाज की भी और रीइंफोर्समेंट की भी। आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से बार बार पढ़ना है ताकि आपके यहाँ तक हरूफ की बहुत अच्छी सी दोहराई हो जाए, ठीक है, ताकि आपको इनकी सीक्वेंस में, अगर इनको आपको वर्कशीट में किसी भी तरीके से दिया जाए आपको कोई करने को, चाहे वो फाइनल्स में हो या जिस तरह भी आपको टेस्ट में आ जाए, तो आप उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें, आपको हरूफ की पहचान हो जाए। जब आपको हरूफ की पहचान होगी अच्छे तरीके से और उनकी आवाज़ों का आपको उसकी पहचान होगी, तो आपके पास आपको तस्वीर को रिकग्नाइज करना, यानी कि इसका नाम कौन से वाले हर्फ से शुरू हो रहा है, वो मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपका दिल चाहे थोड़ा सा, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस बार बार कर सकते हैं कि आपने ये वाइट बोर्ड लेना है। अगर आपके पास वाइट बोर्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपके पास पेपर्स हैं पुराने कोई भी पड़े हुए, आप उसके ऊपर लिख सकते हैं पेंसिल से। आपने इन हरूफ को ट्राई भी करना है कि आप अगर इनको सेल्फ राइटिंग में लिख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, हमने अगर अलिफ को लिखना है तो मैंने हमेशा बताया कि आपने ऊपर से शुरू करना है। अब आपने कोशिश करना है कि आप इस खुद से भी लिखने की कोशिश करें, ठीक है। जब आप उसको ऊपर से ट्राई करेंगे तो एक सीधी लाइन आती है, तो ये क्या बन जाता है, अलिफ, ठीक है, अलिफ। फिर आपने जब इसका मदा करना है, मदा लिखना है, अलिफ के बाद अलिफ मदा आता है, इसी तरह आप सीधी लाइन लगाएं और इसके ऊपर आप जब मदा लिखेंगे तो आपने इसके ऊपर शुरू करना है, आपने ऊपर से इसको शुरू करना है, थोड़ा सा घुमा घूम के नीचे आना है, ऐसे बे की तरह किसकी शक्ल बनाते हुए सीधा जाके, फिर यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे आ जाए, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आज आप इसकी भी सेल्फ राइटिंग में थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, ठीक है। आसान है ये दोनों हरूफ, और हम कोशिश करेंगे कि हम अगले वाले हरूफ को भी साथ साथ ट्राई करें, ठीक है। आपको मैं साथ अपने साथ लिख पाऊंगी। आपने वैसे अगर कोशिश करनी है तो आप ये वाले दोनों स्ट्रेट लाइन वाले, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ बच्चे तो मुझे लगता है लिख भी रहे हैं, लेकिन आपने फिर भी अगर ट्राई करना हुआ तो आप इसको ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और बाकी ये जो बुक है आपकी कलियां, ठीक है, इसमें वही ज़खीरा अल्फाज दिए हुए हैं जो कि मैंने आपके साथ वर्कशीट्स में शेयर किए हैं, ठीक है। आपने हरूफ को इधर से भी देखना है और इधर से आपने ज़खीरा अल्फाज को बार बार देख के उनको पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको उन तस्वीर में से कोई भी पिक्चर अगर आपके पास टेस्ट में आ जाती है या आपकी पेपर्स में आ जाती है या आपको किसी भी तरीके से करना आए, तो आपको याद आ जाए उसका नाम, आपको पता हो, आपकी प्रैक्टिस हुई हो, ठीक है। अब आपने इन हरूफ की दोबारा से दोहराई करनी है, अलिफ से लेकर गाइन तक आपने वर्कशीट्स में काम करना है, कंप्लीट करना है अपना, ठीक है। और आपने वैसे ओरल्स में फे से लेकर लाम तक आपने ज़बानी दोहराई करनी है उन हरूफ की, क्योंकि उनकी वर्कशीट्स अभी आपकी नेक्स्ट वीक में आएंगी, ठीक है, फे से लेकर बढ़िए तक। हम देख लेते हैं फे के बाद फे काफ काफ गाफ लाम, इनके बाद कौन से वाले आने वाले हरूफ हैं, हम उनको भी एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपकी जब आप उनको करेंगे तो आपके साथ वो और आपकी अच्छी और इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये उसके बाद लाम के बाद, ये हमने किया था ना लाम जो कल हमने कंप्लीट किया, ये वाला लाम के बाद हमारे पास कौन सा हर्फ आता है, मीम। कौन सा आता है, मीम। इसकी क्या आवाज़ है, मीम, जैसे आप इंग्लिश में एम की साउंड की थी आपने, मीम, तो इसी तरह हमने मीम की आवाज़ क्या है, हमें क्या आ रही है, मीम, मीम। मीम से क्या बनता है, मोर, मुर्गी, मछली, मस्जिद, मोमबत्ती, ठीक है। ये देखिए गौर से, ये मोर, मुर्गी, ठीक है, ये मुर्गी है, मछली,
मस्जिद और मोमबत्ती, ठीक है, ये कौन सी चीजें हैं? नीम से बनने वाली, नीम। उसके बाद आता है नून, नीम के बाद क्या आता है? नून। ठीक है, नून की क्या आवाज है? जो के आपने इंग्लिश में एन की साउंड की, ठीक है, एन, नोज, ठीक है। अब हम नून का देखते हैं कि नून से क्या क्या बनता है। नून की क्या आवाज है? ये भी एन की तरह की साउंड है। अच्छा, इंग्लिश में हमने क्या पढ़ा था? एन से नोज, नून से नाक। उर्दू में क्या है इसका नाम? नाक, ठीक है, नोज, नाक। नान, जो आप रोटी खाते नान, ठीक है, तंदूर से जो मिलता है ना नान, वो है। नाशपाती, नाशपाती, नाखून, नेल्स को, नारियल, नल, ठीक है, टैप, नल। ये हमारे कौन से चीजों के नाम है? नून से बनने वाली। ये क्या हर्फ है? नून के बाद क्या आता है? वाओ। यहाँ पे हम वाओ को एज अ हर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है। शब्दों के तौर पर इसकी दोहराई हम बाद में करेंगे, अभी हम इसको हर्फ के तौर पे पढ़ेंगे। और इसकी आवाज क्या है? वो की, वो, वाओ, वो, वाओ, वो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वाओ की व आवाज से किन चीजों के नाम बनते हैं। वर्क, वर्क यानी कि ये जो पेज है, ठीक है, कॉपी का पेज, सफा जिसे हम बोलते हैं, कॉपी का पेज है या आपकी बुक का पेज है, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्क, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारे जो आपकी किताब में दिए हुए, ये क्या है? वर्क है। क्या है? वर्क, जिसके ऊपर आप लिखते हो, ठीक है। वर्क, वर्दी, वर्दी यूनिफॉर्म को हम उर्दू में क्या बोलेंगे? वर्दी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास हे, हे की क्या आवाज है? हे से क्या बनता है? हार, हिरन, होंट, हथौड़ी और हाथी, ठीक है। हे की क्या आवाज है? हिरन, हार, होंट, हथौड़ी, हाथी। उसके बाद आता है छोटी ये, बड़ी ये। क्या है? छोटी ये, बड़ी ये। अब हम इनको एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इनको हर्फ के तौर पे पढ़ रहे हैं, मुसक्कन के तौर पे नहीं, मैं आपको हर्फ के तौर पे पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। तो छोटी ये, बड़ी ये की एक ही आवाज है, वो है य। क्या है? य। छोटी ये और बड़ी ये की एक ही आवाज है, वो है य। य, य की आवाज आती है जब ये दोनों शुरू में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। किसी भी हर्फ के शुरू, अल्फाज के शुरू में इस्तेमाल होते हैं तो तब इनकी आवाज एक ही है, वो है य की। और जब हम इनको किसी अल्फाज के आखिर में इस्तेमाल करें, जैसे ये छोटी ये आखिर में आए, तो इसकी आवाज अपनी आवाज होगी, ठीक है, और बड़ी ये की एक अलग आवाज है, तो ये इनकी उस तरीके से आवाजें आएंगी। लेकिन अभी हम इनकी पहली आवाज जो इसकी शुरू अल्फाज के शुरू में जो आवाज लगती है वो क्या है? य की, ठीक है। य से क्या बनता है? यक और यक्का। ये जो हॉर्स कार्ट होती है इसको हम क्या बोलते हैं? यक्का। ये से यक्का और ये यक, यक इसको इंग्लिश में भी यक ही बोलते हैं, ये एक एनिमल है, ठीक है। तो ये की आवाज क्या है? य। ओके, आपने अब किन हरूफ की दोहराई करनी है? अलिफ से लेकर लाम तक बार बार पढ़ने, और उसके बाद हम जो आपने वर्कशीट्स में अपने जखीरा अल्फाज याद करने हैं वो अलिफ से लेकर गाइन तक आपको मिले हुए हैं, सॉरी बे के खानदान से हमने शुरू किए थे, आपने उनको याद करना है। और फिर मैं आपके साथ जो नेक्स्ट वीक के वो लाम से लेकर बड़ी ए तक जितने भी हरूफ हमारे रह गए हैं, सॉरी फे से लेकर बड़ी ए तक, ठीक है, ये वो वाले हरूफ हैं जो कि अलग अलग हैं, इनका कोई कोई फैमिली नहीं है, इस तरह के कोई नहीं है। आपने उनकी वर्कशीट्स फिर हम वो बाद में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। और अभी आपने इन सारे हरूफ की बार बार दोहराई करनी है, ठीक है।
और अगर आपको कुछ पूछना है मैं अनम्यूट करती हूँ, ठीक है? मैं 8 वर्षीय से। जी जी बेटा, ये वाली जो मैंने अभी आपने आपने पढ़ ली थी, आज सिर्फ आपकी एक ही वर्क ही थी थर्सडे की, वो जिसमें गार दिया हुआ है, ठीक है? आपने दुरुस्त हर्फ को लिखना है। एक वर्कशीट आपकी जो आपने कल करनी है, उसमें आपकी फ्राइडे का मेंशन है, वो आपने कल अपनी कंप्लीट करनी है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक की वर्कशीट्स फिर मैं आपकी वीकेंड पे शेयर कर दूंगी सारी, ठीक है? मैम आप वीकेंड पे शेयर कर दो, फिर मंडे तक इनकी सारी कॉपी में पेस्ट होगी तो बच्चों को आसानी है। अच्छा, वो असल में ना उर्दू की वर्कशीट्स बहुत टाइम टेकिंग होती हैं, तो वो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे ना, 2-3 दिन आराम से लग जाते हैं ये, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है, ये नेट पे भी अवेलेबल नहीं होती है, और वैसे भी ना इनकी वो टाइपिंग भी मुश्किल है, फिर इनकी वो एडिटिंग, क्योंकि जब मैं शेयर करती हूँ डॉक्यूमेंट तो वो आपने अक्सर देखा होगा कि वो आपको उस तरह डॉक्यूमेंट सही नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ये लास्ट 2 टाइम से आपको सही मिल रहा है, आई थिंक सो। तो वो उसका मैंने दूसरा तरीका किया था, तो ये वीकेंड तक अगर हम इनकी कोशिश करूंगी, मेरी कोशिश है इंशाल्लाह फ्राइडे तक या नहीं तो सैटरडे मॉर्निंग तक कोशिश करूंगी इंशाल्लाह शेयर कर दूं, ठीक है? मैं पूरी ट्राई करूंगी सैटरडे तक इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? अब हमारे पास क्योंकि फेस से लेकर और बड़ी ये तक मैंने आप बाकी के हरूफ रह गए हैं, लेकर बड़ी ये तक वाली रह गई है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि फ्राइडे तक आपको मिल जाए, ठीक है? ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए प्रिंट कराने में। ठीक है, ओके। किसी और को कुछ? ज़ैनब, do you want to ask something? मोहम्मद अरमान शाहराम तकवा तकवा, आपको कुछ करना है? Well done, ये आपने मैथ्स की है, okay, good। कब तक इनका होगा या क्या है कि क्या सिस्टम होगा, अभी स्टिल जो है डिसीजन अभी पेंडिंग है इनका, तो वो नेक्स्ट वीक में जाके अभी कंफर्म होगा, ठीक है? तो जो भी हुआ फिर वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन बस आपने प्रैक्टिस इनकी कंटिन्यू रखनी है ताकि इनको कोई इश्यू ना आए बच्चों को भी साथ साथ, क्योंकि मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हरूफ, असल में उर्दू थोड़ा मुश्किल लगती है बच्चों को, और तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, सी यू ऑन मंडे एवरीवन, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने, ठीक है? तो आपके पास अब 4 डेज हैं, आप बस कंप्लीट कीजिएगा अपनी रीइंफोर्समेंट्स को, इंशाल्लाह मंडे को फिर हम कंटिन्यू करेंगे, और जब हम इन्हें बाहर पूछे जाएंगे तो इंशाल्लाह। जी बेटा, ओके, तो आपने मुझे कंप्लीट करके पिक्चर्स शेयर कर देनी है, ठीक है ज़ैनब? मेरा नंबर पता है ना आपको, ठीक है? आपने मुझे शेयर कर देनी है, ओके। तो टेक केयर एवरीवन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हैव अ हैप्पी वीकेंड अहेड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।